الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो मैंने आपके सामने एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु, कि ए ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि तुम अपने अम्वाल को नाहक तरीक़े पर, बातिल तरीक़े पर, गलत तरीक़े पर मत खाओ, इल्ला ये कि वो ऐसी तिजारत के ज़रिए हो जो कि बाहमी रज़ामंदी के साथ हो। यानी कि इसमें हमें ये तालीम दी जा रही है कि तुम या हम अपने अम्बाल को नाजायज़ तौर पर ना कमाएं, ना खाएं, और अगर हमें कमाना है तो तरीक़ा जो इख्तियार किया जाए वो जायज़ तिजारत का हो। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो पैदा फरमाया, जो अशरफुल मखलूकात बनाई, बनाया हमें, और इस इंसान के लिए अल्लाह तबारक तआला ने तमाम चीज़ों को मुसख़र कर दिया, तमाम जानवर, तमाम जो दुनिया की चीज़ें हैं वो इंसान के लिए एक तरीक़े से मुसख़र हैं कि वो अपनी अकल के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर चांद पर चले जाता है, हवाई जहाज़ बना लिया, गाड़ियाँ बना ली, ज़मीन से ऐसे ऐसे ज़खायर निकाल लिए कि जिससे के मोटर और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और दुनिया भर के बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं। सूरज की रोशनी को हमारे पर मुसख़र कर दिया कि सूरज की रोशनी से हमारे जो दरख्त हैं खुद हमें तवानाई मिलती है, और न सिर्फ ये बल्कि आजकल तो शमसी तवानाई, जो सूरज के ज़रिए से बिजली बना लेते हैं लोग, गाड़ियां चलने लगी हैं, ज़मीन के अंदर कैसे कैसे मादनियात अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए। हम एक रोटी जो खाते हैं
तो कभी हमने गौर किया कि ये रोटी जो हमारे पास आती है हाथ में, ये कितने हाथों से होकर आती है? एक किसान है, उसने बीज लिया, उसने जमीन के अंदर पहले उसकी गुड़ाई की, उसको खोदा, फिर उसके अंदर बीज डाला और बीज डाल के उसको खाद वाद डाल के उसको बंद किया। उसके बाद उसमें उसने पानी डाला, पानी डालता रहा। अब ये जमीन के ऊपर है कि जमीन कैसी जरखेज है। अब वो जमीन ने कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की हुक्म से, मशीयत से जो है वो बाकायदा वो छोटा सा जो एक ज़र्रा जो आपने डाला था वो एक छोटा सा पौधा बन गया। अब पौधा शुरू में कोपल बनी, फिर पौधा बना, पौधे से एक बड़ा दरख्त बन गया और फिर उससे उसको काटा गया। काटने के बाद उस पर उसको अलग किया गया, अलग करने के बाद उसको पीसा गया, पीसने के बाद आटा बनाया गया, आटा बनाने के बाद उसकी गूंदा गया, गूंदने के बाद फिर हमारे पास एक रोटी आई। कितने सारे लोग इस पूरे सिस्टम में, निज़ाम में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख़र कर दिए। हम फल खाते हैं, आप देखें जगह जगह, हर जगह, वैसे तो मुल्क में हर चीज़ कह रहे हैं कि महंगी हो गई, लेकिन माशाल्लाह देखो आप बाहर निकलें, जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के हर मौसम के फल अल्हम्दुलिल्लाह दस्तियाब हैं। आप वो खाते हैं, उससे आपको तवानाई मिलती है। तो ये सारा रिज़्क, ये सारा इंतज़ाम किसका है? ये सारी जो पूरा निज़ाम हस्ती, ये कौन चला रहा है? तो अल्लाह ताला ने दरहकीकत ऐसा इंतज़ाम किया कि जो इंसान के बस की बात नहीं थी। इसी को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अफरअयतुम मा तहरसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। कभी तुमने गौर किया जो तुम काश्तकारी करते हो, क्या तुम उसको उगाते हो या हम हैं उसको उगाने वाले? यानी कि तुम्हारी तो सिर्फ काश्तकारी है, डाल दिया जमीन में, लेकिन उसको नीचे जमीन के अंदर से ताकत किसने दी? तुम्हारे मेहनत जाय चली जाती है अगर हम उसको ताकत ना देते। अफरअयतुमुल माअ अअंतुम अंजलतुमुहु अम नहनुल मुंजिलून। तुमने पानी को देखा कि जिस पानी को हम पीते हैं, वह जालना मिलल माअ कुल्ल शैर हई, और पानी से हर चीज हमारे लिए जिंदा है, पानी के जरिए हयात है। तो ये जो पानी है, ये पानी को तुमने कभी गौर किया कि तुम इसको नाजिल करते हो या हम उसे नाजिल करते हैं? कौन पानी को उतारता है? अल्लाह ताला का जब हुक्म आता है तो पानी उतरता है। फिर उस पानी के लिए भी फरमाया गया कि अल्लाह तबारक ताला जिस जगह पर चाहते हैं कि उस जगह वो पानी फायदेमंद हो तो वो पानी वहां पर टिकता है, वरना वो पानी वहां से बह जाता है, बल्कि बाज़ों का नुकसानदेह होता है, सैलाब बन जाता है। तो एक एक चीज अगर हम इस कायनात पर गौर करें, आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये जो तमाम चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इस अशरफुल मखलूकात के लिए मुसख़्खर की। क्यों?
अल्लाह ने क्यों किया ये? क्या फरिश्ते काफी नहीं थे इबादत के लिए? क्या फरिश्ते इबादत नहीं कर रहे थे? फरिश्तों ने ये सवाल किया भी था कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, आप इनको क्यों आप पैदा कर रहे हैं? हम आपकी तस्बीह और तकदीस के लिए काफी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि बेशक मैं जानता हूं वो चीज जो तुम नहीं जानते। और बज़ाहिर जो हिकमत है वो यही है कि फरिश्तों की जो को जो बनाया गया या पैदा किया गया वो नूर से बनाया गया, और उसमें एक जर्रा बराबर भी किसी किस्म की खराबी ही नहीं है, उसमें सलाहियत ही नहीं है कोई गुनाह का काम या मासियत का काम करने की। इसकी मिसाल हमारे बुजुर्ग हजरात ये देते हैं कि अगर किसी नाबीना को कहा जाए कि तुम गलत जगह पर निगाह मत डालो, अब वो कासिर है, निगाह डालने से कासिर है, निगाह नहीं डाल सकता, तो इस पर इसका क्या कमाल? कमाल तो जब है जब पूरी ताकत हो, उसके बाद वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अपनी निगाहों को झुका ले। तो यही इंसान है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के जज्बात रखे, फिस्क व फुजूर के भी और नेकी के भी। इंसान को अल्लाह ताला ने गुनाह के अंदर के जज्बात भी हैं उसके अंदर पैदा किए और जायज जज्बात भी पैदा किए, लेकिन साथ साथ ये बता दिया कि भाई ये गुनाह है, ये सवाब है, और इस जो तुम्हारे ये गुनाह के जो जज्बात हैं इसका जायज हल भी बतला दिया कि मिसाल के तौर पे गजब है, ये भी एक नफसानी ख्वाहिश है, इसका महल बतला दिया कि भाई इसका महल क्या है? इसका महल जो है वो दरहकीकत जिहाद फी सबीलिल्लाह या जिहाद अलन नफ्स ये है, और शहवत है उसका जो जायज महल है वो क्या है? निकाह है अपनी बीवी। इसी तरीके से हर चीज का एक जायज तरीका बतलाया। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया तो यही तो तालीम दे रहे थे कि देखो ये चीजें हराम हैं, इससे बचना है, और ये चीजें हलाल हैं, इनको इख्तियार करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अरकान इस्लाम हैं बुनियादी, अकीदा हमारा दुरुस्त हो, ईमान की गवाही देना, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये असल इबादात हैं, ये असल फ़राइज़ हैं। उसके बाद के फ़राइज़ हलाल कमाना, तलब कस्ब हलाल फ़रीज़तुन मिन बाद फ़राइज़, के हलाल रोजी कमाना ये फ़राइज़ के बाद एक दूसरे फ़राइज़ हैं। पहले नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, जो तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज की गई हैं वो अदा करो, फिर रोज़ी कमाओ। और रोज़ी कमाने के लिए भी अल्लाह ताला ने तरीका बतला दिया कि वो तरीका जो जायज़ तिजारत का हो। यहाँ लफ्ज़ तिजारत क्या आ गया? अब ये तिजारत जो है ना ये बहुत आम लफ्ज़ है, तिजारत बहुत आम है, इसमें तमाम किस्म की बुयू खरीद व फरोख्त आ जाती हैं। यहाँ तक के इंसान जो किसी जगह नौकरी करता है ना वो भी एक किस्म की तिजारत है, तिजारत का एक हिस्सा है, वो भी बै की एक किस्म है, क्योंकि
हमारी फिक्र के अंदर इजारा की दो किस्में हैं, एक इजारतुल आयान और एक इजारतुल अशखास। तो ये जो इंसान नौकरी कर रहा होता है ये इजारतुल अशखास है। तो और इजारा कहते हैं कि इंसान किसी चीज के नफे को या खदमात को, सर्विसेज को फरोख्त करे किसी इवज के बदले। बात समझ आ गई आपको? बैउल मुनाफा बिल उजरा। तो ये भी बै है कि आप अपने खिदमात पेश कर रहे हैं उसके बदले पैसे ले रहे हैं, तो ये भी एक तिजारत है। तो जो भी तिजारत हो, चाहे वो किसी सामान को बेचने के जरिए हो, ये सामान की मनफात को बेचने के जरिए हो, जिसमें जिसको हम अरबी में फिका में इजारा कहते हैं, किराया कहते हैं, और या किसी आदमी को आप उजरत के ऊपर दें और वो अपनी मेहनत कर रहा है, दिमागी मेहनत करे या जिस्मानी मेहनत करे, जिसको अरबी में इजारत और अशखास कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दरकीकत एक बै की एक किस्म है। या तो बैउल आयान होती है या बैउल मुनाफे होती है, बात समझ में, या बैउल खदमात होती है। तो ये सारी तिजारत है। तो फरमाया गया कि ये बाहमी रजामंदी से होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई सूरत जो है वो तिजारत के अलावा कोई सूरत नाजायज है। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाए अहल्लल्लाहु अल-बैअ वहर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने बैअ को, ये तिजारत को हलाल करार दिया। अब तिजारत में, ये बैअ में, ये तमाम सूरतें आ गई जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र की, लेकिन रिबा अलग है। रिबा बैअ नहीं है, रिबा कर्ज है। कुल्लु कर्ज जर्रा नफअन फहुवा रिबा, वो बैअ नहीं है, वो कर्जा है, वो तिजारत नहीं है, वो एक तबर्रो है। आपने किसी को कर्जा दिया तो बस उसे सवाब की उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला आपको उसका सवाब देगा, बल्कि बड़ा सवाब आया। सदके से ज्यादा कर्ज हसना देने के सवाब 16 गुना ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि आप जब किसी को कर्जा देते हैं तो उसको एक तरीके से उसको जिम्मेदार बना देते हैं कि आपने मेहनत करके वापस लौटाना है। लेकिन अगर आपने किसी सदका दिया तो वो खा पी के फारिग हो जाएगा, तो वो जो है वो उसका ख्याल नहीं करेगा, वो कहेगा तो मुझे वैसे ही मिल गया। इसीलिए बिलावर सदका नहीं मांगना चाहिए लोगों से। चंदा मांगना या पैसा मांगना यह हराम है। ये नहीं कि आदमी हदीस फिका में, फिकाए किराम में लिखा है कि अगर किसी आदमी के पास एक, यानी कि खाने के लिए रोटी हो और एक वक्त का खाना मौजूद हो और उसकी मौत का कोई खौफ ना हो, तो उसके लिए मांगना जायज़ नहीं है। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और उनसे कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ अता कर दीजिए, अपने सामान में से कुछ माल अता फरमा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है? तो उन्होंने कहा कि असला मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है। तो आपने किसी साहबी से कहा, तो उन्होंने कुल्हाड़ी पता नहीं शायद खरीद कर या वैसे उनको दे दी। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटो और एक हफ्ते तक लकड़ियां काट कर इसको बेचो और बेच कर मेरे पास वापस आना। तो वो गए वो साहब, वो जाने के बाद उन्होंने लकड़ियाँ काटी और काट कर पैसे बनाए, पैसे कमाए, और पैसे कमा कर वो वापस आए तो माशाल्लाह उनके पैसे थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो, तुमने ये जो काम किया है ये तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से कि तुम अगर किसी से आगे सवाल करते तो तुम्हारे लिए क़यामत के रोज़ वो माथे पर एक जख्म का एक निशान लेकर आता है, जो कि इस बात की अलामत होता कि ये मांगता है। मांगना सही नहीं। तो इंसान अल यदुल उलिया खैरु मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से।
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, کہ تم اس مال میں سے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا اس مال میں سے تم دوسروں کو دو. قرآن کریم اللہ تعالی فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, کہ جو مال اللہ تعالی نے تم کو عطا کیا ہے اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کرو. ہاں تلاش کرنے میں کس طرح تلاش کرو گے؟ صدقہ خیرات, صدقہ خیرات, قرض حسنہ, یہ دیتے رہو لوگوں کو, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ سارا نہ لٹا دینا. ولا تنس نصیب کا من الدنیا, اپنا حصہ مت بھولنا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا ساتھ ساتھ ہر وقت یہ بھی یاد رکھنا کہ احسن کما احسن اللہ علیہ, کہ یہ تمہیں جو مال عطا ہوا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر, تو اس طرح تم لوگوں پہ احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہ احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین میں البتہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی ایسے کام نہ کرنا کہ جو زمین میں فساد مچ جائے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, جو کہ جائز تجارت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ربا ہے, سود ہے, قمار ہے, میسر جس کو کہتے ہیں, انما الخبر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, تو یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے بہت سارے عقود فاسدہ ہیں جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یضمن, کسی ایسے نفع کمانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ جس پہ ضمان نہ تمہارے ہاتھ میں آئے, جب تک تم اس کا رزق اس کا ضمان برداشت نہ کرو اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بیع ما لا یقبض, یا بیع ما لا یملک, کسی ایسی چیز کو فروخت کرنا جس کا قبضہ ہی نہیں آیا, جس کی ہم مالک ہی نہیں ہیں, اس کو نہیں بیچا جا سکتا. بات سمجھ آپ کے؟ اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ایک جہالہ ہے. جہالہ کہتے ہیں فقہ میں, جس کو ہم عربی میں غرر بھی کہتے ہیں, کہ ہمیں ایک چیز ہمارے ملکیت میں نہیں آئی, ہمارے قبضے میں نہیں آئی, ہم اس کو اٹھا کے بھی بیچ رہے ہیں بالفرض, ہم اس کو ہمارے پاس نہیں آتی, وہ ابھی وہ سمندر میں ہے یا ہوا میں ہے کسی اور جگہ ہے, پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرندے میں بیچ رہا ہوں, تو اگر وہ نہیں آتے تو وہ کہے گا جی آپ کو پیسے میں نے دے دیے, تو مجھے اس کے عوض جو تھا وہ تو ایک انسرٹن ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, تو یہ ناجائز ہے. اسی لیے کہہ دیا گیا کہ مبیع آپ کی معلوم ہو, جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے, ثمن آپ کا معلوم ہونا چاہیے, اس میں کسی قسم کا غرر یا کسی قسم کی جاہلی جہالہ نہ ہو, ایسی جہالت جو کہ مفضی الی النزاع ہو, جس سے کہ نزاع بن جائے, فساد پیدا ہو جائے, تو یہ ناجائز ہے. تو یہ ساری عقود, عقود فاسدہ, عقود باطلہ, کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس پہ ربا ہوگا یا میسر ہوگا یا اس کے اندر یہ غرر ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مارکیٹ میں کتنا زیادہ ربا عام ہے, سود عام ہے, میسر عام ہے, کتنا زیادہ اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن, سٹے بازی. پھر یہ جو میں بیع قبل قبض کہہ رہا ہوں, اس کو آج کل کے اصطلاح میں شارٹ سیل کہتے ہیں, یہ شارٹ سیل. پھر عقود المستقبلیات, فیوچر سیل, یہ ساری پوری مارکیٹ میں اس قسم کے کاروبار ہو رہے ہیں.
फिर एहतकार इक्तनाज। अब देखें आजकल डॉलर, अब पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं डॉलर लेकर, अब बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट में जमा कराएं या वहां से मनी चेंजर वहां से चेंज करें, वो जाते हैं मनी चेंजर के पास। मनी चेंजर क्या करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसको रख के उसको ना और महफूज कर लेते हैं अपने पास, होल्ड कर लेते हैं। अब होल्ड कर लेते हैं उसको, तो एक तरीके से उसकी एहतकार कर लिया, ताकि उसकी प्राइस जब बढ़ेगी तो बेचेंगे, तो ये नाजायज। तो शरीयत ने वो अहकामात बतलाए हैं कि अगर हम उस पर अमल करें तो फसाद खत्म हो जाए। देखें अब ये चीजें शरीयत ने क्यों बतलाई, आपको मालूम है, मैं बात तकरीर ज्यादा लंबी हो रही है, बस मैं 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। ये एक बात जरा गौर से सुनिए कि इस जो मौजूदा मालियाती निज़ाम है दुनिया में, एक है कैपिटलिज्म, रासमालियत जिसको कहते हैं, और दूसरा है सोशलिज्म, इश्तराकियत जिसको कहते हैं। तो ये पहले कैपिटलिज्म था, उसकी खराबियां ये थी कि लोग, चंद लोग मालदार हो गए थे और बाकी लोग जो है ना वो गरीब से गरीबतर होते चले गए। तो जो तकसीम है दौलत की वो मुनसिफाना नहीं थी। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो उसके नतीजे में उन्होंने सोशलिज्म या कम्युनिज्म ईजाद किया कि सारे लोग बराबर होने चाहिए, हर चीज बराबर हो। अब वो भी बिल्कुल गैरफितरी था, कुरान करीम या इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल बराबर हों। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बादहुम फौक बादिद दरजात, हमने तकसीम दौलत की है और हमने बाज लोगों को बाज के ऊपर और बाज को नीचे बनाया। क्यों, लियत्तखिज़ बादहुम बादन सुखरिया, ताकि एक दूसरे के काम आ सकें, सब बराबर हो जाएं, सारे एम्प्लॉयर बन गए, सारे मुजिर बन गए, कोई उनकी खिदमत ही नहीं करेगा, सारे खादिम बन गए तो मखदूम कौन होगा। बात समझ आ गई आपके, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो ये जो तकसीम है ना कि कितने डॉक्टर होंगे, कितने एम्प्लॉई होंगे, कितने एम्प्लॉयर होंगे, कितने ये होंगे, कितने वो होंगे, ये हमारी इसमें कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जिसको जो बना दिया वो बना दिया, ये तकसीम अल्लाह ताला की है। हम तो कर भी नहीं सकते थे कि कितने उलमा होने चाहिए थे, कितने साइंटिस्ट होने चाहिए थे, कितने ये होने चाहिए थे, ये सारी तफसील, ये सारी चीज़ें हमारे बस की बात ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया। तो ये अल्लाह ताला ने जब मुकर्रर कर दिया तो ये नेचुरल होना चाहिए, एक फितरी होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते कि ऐसा ना हो कि कैला यकूर दौलतम बैनल अग्नियाई मिनकुम, कि तुम्हारी दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा कैपिटलिज्म है, इसका क्या नतीजा निकलता है कि दौलत चंद हाथों में ऊपर चली जाती है। अब आप बैंक ले लें, अब यहां तक इस्लामी बैंक भी ले लें, इस्लामी बैंकिंग भी अगर आप ले लें तो ठीक है, वो जायज तजारत कर रहे हैं, मुराबा कर रहे हैं, इजारा कर रहे हैं, सलम कर रहे हैं, इस्तिसना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शिरकत मुजारबत वो कर रहे हैं, लेकिन दरहकीकत जो अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि वो जो पैसा है ना अवामुन्नास का जो डिपॉजिट होता है, वो पैसा कहाँ जाता है, वो चंद कॉरपोरेट्स के पास जाता है। टोटल जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा तकरीबन 5 या 6%, ज़्यादा 10% जो लोग हैं उनके पास जाता है। तो जो मकसद शरीयत है, मकासद शरीयत हैं कि इंसाफ मुनसिफाना तरीके पर दौलत की तकसीम हो, वो नहीं हो पा रहा, उसके लिए और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जिससे सही हो। तो उसके लिए ये कि और इस्लामी निज़ाम को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो खुलासा ये है बात का कि इंसान अगर हलाल तरीके अपनाए, अब हमारी जो अकल है ना वो नाकिस है, हम तो अपने हवाज़े खमसा से देखते हैं कि भाई ये चीज़ तजर्बा करते हैं, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, अब वो इतने उसमें सदियां गुजर जाती हैं और लोगों को नुकसान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमारी बलाक फलाह के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बनाकर
तमाम इंसानियों इंसानियत के लिए तो चीज़ें बतला दी कि भाई देखो ये करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा, तुम अगर रिबा करोगे खाओगे, तुम अगर मैसर करोगे, तुम ये शॉर्ट सेल करोगे, बैकअप कब करोगे, ये बैग माला यमली करोगे, ये गर्र करोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आगे जाके फसाद का जरिया बनेंगी। और फसाद के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक ये कि छोटी फसाद के आपस में एक दूसरे झगड़ रहे हैं, और एक बड़ा फसाद कि पूरी दुनिया में फसाद मच रहा है कि कुछ लोग तो आलिम मालदार बनकर बाकी ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब से गरीब तर होते चले गए, तो ये भी एक फसाद है। तो ये दरहकीकत अल्लाह ताला ने इसलिए ये बताया, चाहे हमारे समझ में इसकी हिकमत आए या ना आए कि क्यों हराम किया, तो ये सारी चीज़ें। तो हमें इस बात का एहतमाम करना है कि हमारे मुंह में जो लुकमा जाए वो हराम का ना हो, हलाल का हो। रिश्वत हराम है, खयानत हराम है, झूठ हराम है, बदहदी हराम है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हराम हैं, लेकिन हम लोग इस बात का एहतियात नहीं करते। हदीस में आता है, मैं आखिरी एक हदीस सुनाकर आपको, दो हदीसें बल्कि सुना के ख़त्म करता हूँ। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युमा जसदिन नुबिता मिन सुहतिन फन्नारु औला बिह, कि जिस्म का जो हिस्सा हराम गिजा से परवरिश पाया हो तो वो जहन्नम में जाने के मुस्तहिक है। हमें अपनी गिजा को दुरुस्त करना होगा। और एक जगह फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मिस्कीन होते हैं, कपड़े उनके गर्द आलूद होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, और हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी दुआ कैसे कबूल हो जब उनका खाना हराम का है, पहनना हराम का है, तो उनकी दुआ कैसे कबूल हो। तो इससे पता चलता है कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल गिज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको इस बात का एहतमाम करना होगा कि जो हम लुकमा मुँह में ले रहे हैं, आया ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। मांगना भी जायज़ नहीं है बिलावजह में। और इसी तरीके से इंसान कोई गलत तरीके से कमाना, रिश्वत कमाना, ये करना, किसी सूरत में चोरी डाका, ये सब चीज़ें हराम हैं। तो हमें इसको देखना होगा। और अगर हमारे आसपास कोई ऐसा कर रहा है जो हमारे, जिसको हम कह सकते हैं हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से रोकें कम से कम, वरना ज़बान से तो कही दें, ताकि इस तरीके से ये ना हो कि हमारे ऊपर इसकी पकड़ हो कि तुमने, तुम्हारे नीचे ये आदमी था, तुम्हारे सामने ये काम कर रहा था, तो तुमने क्यों नहीं इसको रोका। बात समझ आप? तो हमें इंशाल्लाह इस पे अमल करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल तरीके से कमाने की तौफीक अता फरमाए और हराम से बचाए। वाखिर दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह।